नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। हम हाजिर है एक और नई जानकारियों को लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे दो ऐसे नया नुस्खा शेयर करेंगे जिसकी सहायता से आप अपने घरों से मच्छर को भगा सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में पसीना आए ना आए, लेकिन मच्छर सबसे पहले आते हैं और जीना हराम कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में क्वाइल जलाते हैं तो बिल्कुल भी न जलाएं, वो आपके बच्चों के लिए, आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके साथ साथ मार्केट में और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं जो बहुत ही आसानी से जल जाते हैं और मच्छरों को बेहोश कर देते हैं, लेकिन इनका नियमित इस्तेमाल करने से हमारे फेफड़ों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं वो कैसे कैसे इसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहला नुस्खा है दोस्तों, आपको लेना है यहाँ पर नींबू। आप यहाँ पर दो नींबू ले लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों, इसे कहते हैं लौंग। ज़्यादातर लोग इस नुस्खे के बारे में जानते होंगे। आपको लौंग लेना है और नींबू लेना है और लौंग को इस तरह से इसमें चिभो देना है। देख लीजिए, कम से कम एक नींबू में 20 से 25 लौंग लीजिए और इसे इस तरह से लगा दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनके द्वारा जो स्मेल निकलता है, जो गंध निकलता है, वो मच्छरों को बर्दाश्त नहीं होता है, जिससे मच्छर आसानी से भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी इसे रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से यह मच्छरों को भगा देता है। आप चाहें तो आप इस विधि का गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा नुस्खा यहाँ पर हम आपसे बताते हैं, आपको लेना है दोस्तों कपूर। यह वही कपूर है जो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है मिट्टी का बर्तन और इसमें आप दो कपूर लीजिए और दोनों को इस तरह से चूर करके इसमें रख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है इसमें सरसों का तेल। हो सके तो अगर आपके घर में नीम का तेल है तो नीम का तेल भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से लीजिए बत्ती और इसे जलाइए, देखेंगे इससे भी मच्छर भाग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग क्वाइल का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कीजिए, देखेंगे मच्छर आसानी से भाग जाएंगे। आप इसे जलाएंगे तो कम से कम ये आधा घंटा तक जल सकता है, लेकिन इसका प्रयोग आप लगातार कुछ दिनों तक कर भी सकते हैं और ये भी मच्छरों को भगाने में कामयाब है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद होगी। तो हम आपसे जल्दी जुड़ते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।